नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अधिसूचना जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी, जिसके मुताबिक पहले चरण का मतदान 22 नवंबर, दूसरे चरण का 26 नवंबर और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 29 नवंबर को किया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 1 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके चलते अब नगर निगम से जुड़े सभी राजस्व, गृह और नगर विकास के विभागों में नियुक्ति और ट्रांसफर पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक वोटिंग ईवीएम के जरिए होगी, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। निर्वाचन आयोग ने इस बार के चुनावों के लिए प्रत्याशी खर्च बढ़ोतरी का फैसला किया, यानी पिछली बार की तुलना में प्रत्याशी इस बार ज्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे। कुल मिलाकर तारीखों के ऐलान के साथ ही जहां सियासी दलों में अपनी जीत को लेकर जद्दोजहद देखने को मिल रही है, वहीं अपनी उम्मीदवारी को लेकर संभावित प्रत्याशियों ने भी जोर आजमाइश तेज कर दी। 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले इस चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकार भी मान रहे हैं कि ये चुनाव जनता का मूड क्या है ये तय करने का काम करेगा, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के सामने जहां अपना वर्चस्व बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो वहीं तमाम मुद्दों को उठाकर विपक्षी दल बीजेपी के रास्ते को रोकने का प्रयास करेंगे। किस तरह का घमासान होने वाला है इस बार के निकाय चुनाव में, आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मसले पर। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 3 चरणों में मतदान कराने का फैसला हुआ। तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। वहीं सियासी खेमों में हलचल भी तेज हो गई। सभी सियासी दल अपनी अपनी गोटियां बिछाने में जुट गए। आप भी देखिए रिपोर्ट। यूपी में नियमों के लिहाज से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले निकाय चुनाव जून जुलाई महीने में हो जाने चाहिए थे, लेकिन परिसीमन, रैपिड सर्वे और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के चलते तय वक्त पर ऐसा ना हो सका। इस मामले में जब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए कमर कस ली। शुक्रवार को आयोग ने बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी। 22, 26 और 29 नवंबर के दरमियान 3 चरणों में वोटिंग होगी। 1 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 की यदि सूचना राज्य निर्वाचन आयोग ने आज जारी कर दी है। पहला चरण 22 नवंबर 2017, दूसरा चरण जो है वो 26 नवंबर को होगा, तीसरा और अंतिम चरण जो है वो 29 नवंबर को होगा, मतगणना 1 दिसंबर को होगी। सूबे के नगर निकायों के समीकरणों को आंकड़ों की नजर से देखें तो यूपी में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका और 439 नगर पंचायतें हैं। तकरीबन 1,47,000 बूथ हैं। नगर निगमों के 1300 वार्ड में पार्षद और मेयर चुने जाएंगे। यहां कुल 1,47,17,130 मतदाता हैं। 198 नगर पालिका परिषदों के लिए 4,579 वार्डों में सभासद और 198 नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे। इनमें कुल 1,20,54,170 मतदाता हैं। 439 नगर पंचायतों में नगर पंचायत अध्यक्ष और इनके 5,436 वार्ड के सभासद चुने जाएंगे। नगर पंचायत के चुनाव में कुल 56,71,074 मतदाता हिस्सा लेंगे। अधिसूचना से पहले नगर विकास महकमे के अफसरों ने निकायों के प्रस्तावित आरक्षण और आपत्तियों को लेकर खासा माथापच्ची की थी। 653 निकायों के 12,007 वार्डों में से 40 के आरक्षण में खामियों के बाबत आपत्तियां मिली थी, जिनका संज्ञान लेकर जरूरी बदलाव कर दिया गया है। बहरहाल अब राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के पास मौजूद संसाधनों के जरिए ही बिना केंद्रीय बलों को शामिल किए हुए राज्य स्तरीय बलों के जरिए चुनाव कराएगी। चुनाव हम जो अपने संसाधन हैं राज्य सरकार के, उसी से कराएंगे। इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस
का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है तो सियासी समीकरणों पर भी गौर कर लेते हैं। वर्ष 2012 में निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया, 12 नगर निगमों में से 9 पर कमल खिला था। कांग्रेस पूरी तरह पस्त हो गई तो सपा समर्थित 2 और बसपा समर्थित 1 उम्मीदवार को कामयाबी मिली थी। इस बार बसपा सीधे तौर पर चुनाव मैदान में है तो वहीं कांग्रेस और सपा अलग अलग दांव आजमा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सियासी बिसात पर सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा क्योंकि हमने उसके हिसाब से तैयारी की है। 2-3 महीने पहले ही हमने हर जिले का प्रभारी नियुक्त कर दिया था और वो जाके वहाँ पर उन्होंने मीटिंग भी की थी, लोगों को पहले से तैयार कर रखा था। एक एक बूथ वाइज, पूरा सेक्टर वाइज, एक एक पूरी तरह से हम लोगों की तैयारी, पूरी तरह से हम लोग तैयार है चुनाव के लिए। हमारे अच्छे साफ सुथरे अच्छे कैंडिडेट होंगे और बहन जी सबको चुनाव लड़ाएंगे। नदी के किनारे पर वोट पड़ा, ये जो हमारे लोहिया पार्क में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन लेने जाते हैं उस पर वोट पड़ा, जनेश्वर पार्क पर वोट पड़ा, कैंसर इंस्टीट्यूट पर वोट पड़ा, संस्कृति स्कूल पर वोट पड़ा, पुलिस विभाग के लिए जो सुधारीकरण किया 250 पर वोट पड़ा, मेडिकल कॉलेज जो नए नए बनाए लखनऊ में उस पर वोट पड़ा, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ने जोड़ दिया आगरा को लखनऊ से, उस पर वोट पड़ा, तो आपकी समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेयर होंगे। बीजेपी अपने बल पर हमेशा चुनाव लड़ती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अगर आप समझते हैं कि इन दलों ने अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिंबल पर चुनाव लड़ने के बावजूद ये सब दल एक थे बीजेपी के खिलाफ, आगे भी रहेंगे, पहले भी हम जीते थे, आगे भी जीतेंगे। अभी तक निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया होने में 42 से 45 दिन लगते थे, लेकिन इस बार महज 36 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। यूपी में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बिसात भी सज गई है। यूं तो इस बार रिकॉर्ड वक्त में चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी है, लेकिन ये चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को भी कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ ज्ञानी शुक्ल, APN लखनऊ। दरअसल 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले इस चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकार भी इस बात को मानते हैं कि ये चुनाव जनता का मूड क्या है ये तय करने का काम करेगा। आज हम निकाय चुनावों पर ही चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। लखनऊ से 5 खास मेहमान हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे उम्मेद सिंह जी। साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपसे, शंखनाद हो चुका है, तैयारी क्या है आप लोगों की और चुनौती किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का स्थानीय निकाय का चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और हमने सभी बूथों पर, सभी वार्डों में हमने कार्यकर्ताओं की रचना शुरू कर दी थी। हमारे निकाय के प्रभारी बनाए हमने कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदारी दी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को। आज भी प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, आज उनकी बैठक प्रदेश कार्यालय पर हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष जी उस बैठक को ले रहे हैं और हम नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए, विकास का संकल्प लेकर नगरीय क्षेत्र का हम निकाय चुनाव में जा रहे हैं और हमारे सभी वार्डों में, सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर पंचायतों में और नगर निगमों में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी लड़ा रही है। सभी जगह बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है और एक हमने उसके लिए एक अलग अलग स्तर की हमने कमेटी बनाई है, जिले में, क्षेत्र में, प्रदेश में। वो कमेटी जो कार्यकर्ता आवेदन किया है उन सब के बारे में बातचीत करके रणनीति बना के और प्रत्याशी चयन करने का काम कर रही है और हम लोग प्रत्याशी को अब आज, क्योंकि कार्यक्रम घोषित हुआ है तो हम इसके अनुसार, घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, चुनाव जी, अच्छा जी, विकास के जी, ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपको लगता है कि पूरा इस बार का चुनाव जो है विकास के मुद्दों पर ही रहेगा, लेकिन विकास नहीं हुआ, यही आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगा रहे हैं कि बीजेपी का वर्चस्व था नगर निकायों में लेकिन अपने
वादों पर खरा नहीं उतरी, ये विपक्षी दलों की तरफ से आरोप थे। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, विकास की बात कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, कि विकास के रास्ते पर ही हम आगे बढ़ेंगे एक बार फिर? अक्षय जी, विकास के नाम के पर अब सारी जनता जानती है कि क्या होगा। विकास के नाम पर अभी तक की जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है वो इस तरह से है, आधार को पैन कार्ड से जोड़ो, पैन कार्ड को बीपीएल कार्ड से जोड़ो, बीपीएल कार्ड को जो है वो ले जाकर के फिर आधार से जोड़ो, आधार को जो है वो ले जाकर के इसमें सेलफोन से जोड़ो, सिर्फ विकास के नाम के ऊपर यही सारी चीजें होती चली आ रही है। इसके अलावा विकास के नाम के ऊपर कोई एक योजना बता दे जो सफल हुई हो। सिर्फ विकास के नाम के ऊपर जो पूर्व सरकारों के किए गए काम है उनका उद्घाटन, पुनर्उद्घाटन और पुनर्उद्घाटन करने में लगे हुए हैं। एक भी काम ऐसा इतने दिनों में नहीं कर पाए हैं, केंद्र सरकार का है, 3.5 साल से ऊपर होने को आ रही है, जिसके नकार हो गया हो कि इसकी नींव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी और इसका उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये जरूर है कि स्टैंड अप इंडिया जो है उसकी जगह शट अप इंडिया ने ले लिया है। कोई भी बोलेगा उसके खिलाफ जो आप कार्रवाई कर देंगे, वो चाहे वर्मा जी क्यों ना हो छत्तीसगढ़ के मामले में, कहीं कोई भी जर्नलिस्ट जो है उसकी आवाज निकलेगी उसको दबा दिया जाएगा। तो ये विकास का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको कि पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा है। लोगों को लाइन लगा दी है 8 नवंबर को, इतने लोगों की मौत हो गई है, कितने लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, उसका ये जश्न मना रहे हैं। तो ये अजीब गरीब पार्टी है जो लोगों को बेरोजगार करके, लोगों को लाइन में खड़े करके मौत के घाट उतारने के बाद क्या वजह है कि इन तमाम बातों को जो भी आरोप लगा रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं कि जनता उस पर भरोसा नहीं कर पाती या फिर आप लोग भरोसा नहीं दिला पाते, कमी कहां पर देखते हैं? अक्षय जी, दो जगहों के ऊपर इसके अंदर कमी है। पहली और सबसे बड़ी कमी जो है वो ये आती है कि चुनाव आते आते मुख्य मुद्दा जो है वो ताजमहल हो जाता है, मुख्य मुद्दा जो है वो मकबरे हो जाते हैं, मुख्य मुद्दा जो है वो शमशान घाट हो जाता है, मुख्य मुद्दा जो है वो विकास नहीं रह जाता, और इसी के नाम के ऊपर लगातार जो है वो जनता के सामने ये जाते हैं। निश्चित रूप से जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अब समझ रही है आज की तारीख में, और इस वक्त आप देख लीजिए कि हर जगह जनता जो है वो इनके खिलाफ खड़ी हुई है, चाहे वो किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए। ये बात अलग है कि बर्बरता की तरह से विकास के नाम के ऊपर लाठियां चाहे बीएचयू के बच्चियों के ऊपर चलाई गई हो या लखनऊ के अंदर चलाई गई हो, तो ये सारा का सारा विकास जो है वो जनता देख रही है कि किस तरह से विकास अब यहां तक पहुंच गया है कि महिलाएं जो है वो भी पुलिस की लाठियों से बचे नहीं है। उसमें भी कोई जरूरत नहीं है कि वहां किसी तरह की कोई महिला पुलिस हो जो कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो विकास का ये जो रास्ता है जो कि चले, कम से कम डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, जो मुद्दे इस बार के चुनाव में उठ सकते हैं उन मुद्दों को आपने जनता के सामने जरूर रख दिया है। उमेश सिंह जी, आपकी पार्टी भी इस बार अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी में है, आपको लग रहा है कि चुनौती इतनी आसान होने वाली है? एकदम निश्चित। अच्छा भाई, चुनौती को आसान तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कर दिया है, महिलाओं के ऊपर लाठियां चलवा के, आज उन शिक्षा मित्रों को बेरोजगार करके, आज इस तरह से आज जो दशा किया है, जो महंगाई की मार झेल रही हैं औरतें, उनको सबसे ज्यादा अनुभव होता है, उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि सारा हिसाब किताब लगभग घर का परिवार वही चलाती रहती है। आज जो दुर्दशा किया है इन्होंने किसानों के साथ, गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, वो अपने आप सब अपने आप ही मुद्दा बना दिए हैं। उसका रिजल्ट तो तैयार बैठी है जनता। आज अगर जेंट्स में आप पुरुषों में देखेंगे तो 50-50% का लगभग 1% का अंतर है वोटर में। तो आज 50% महिलाएं तो बिल्कुल एकदम से कुढ़ी बैठी हुई है, नाराज बैठी हैं। आज बाकी 50% में किसान, गरीब और दलित और ये सब के सब जो है त्राय त्राय कर रहे हैं, उसका नतीजा आना है। तो हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत पूरी तरह से तैयारी, बहुजन समाज पार्टी पूरी अनुशासित पार्टी है और अपने अनुशासन में रह के अपना काम कर रही है। पूरा बूथ से लेकर ऊपर आज पहली बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली बार सिंबल पे चुनाव लड़वा रहे हैं, जिससे हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। वो लोग पूरी तरह से बूथ से लेकर ऊपर तक पूरी तैयारी में लगे हैं जी। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपकी पार्टी इस बात को मान रही है कि 2019 में जो आम चुनाव होगा, इस निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो काफी कुछ स्पष्ट करने के लिए काफी होंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी चुनाव होते हैं उससे जनता की जो नब्ज है वो पहचानी जा सकती है,
और आप देखिए कि जो चुनाव हैं इसमें एक आम कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो वो इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये चुनाव किस चीज का है, ये चुनाव साफ सफाई का है, वार्ड की साफ सफाई हो, नालियां हो, खरंजे हो, लाइट हो, प्रॉपर व्यवस्था ये सारी की सारी चले, तो यहाँ पर बहुत मैं समझता हूँ कि एंथुजियाज्म से कोई भी वर्कर चुनाव लड़ता है और लड़वाता है, क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव बहुत डायरेक्टली ये जो लोगों को अफेक्ट करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, मैं आपको दूसरे प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश पे लाना चाहूंगा। पिछले 22 साल से गुजरात में ये काम कर रहे हैं और गुजरात मॉडल की बार बार बात कर रहे हैं। गुजरात मॉडल वो मॉडल है जहां पर पिछले 45 दिन के अंदर 5 बार प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है, प्रधानमंत्री पुल से लेकर और जो है छोटे छोटे चीजों का वहां पर उद्घाटन कर रहे हैं। अगर ये गुजरात का मॉडल है कि एक प्रधानमंत्री को बड़े लेवल पर जाके वहां पर आना पड़े, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इतने दिनों तक आपने एक प्रदेश को सींचा सवारा, और जिसको आप सींचा सवारने की बात करते हैं और आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर पाए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने क्या किया? और पिछले 6 महीने से यहाँ जो सरकार चल रही है, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी इस सरकार ने अपना जो जनमत खोया है, शायद ही जो है किसी सरकार ने इतनी जल्दी। अब्दुल हफीज साहब, आपने तुलना तो कर दी गुजरात से। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ विकास की बातें करती है, बाकी लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम किया जाता है। विकास के नाम पर तो आप लोगों ने भी वोट मांगे थे, नारा भी दिया था कि काम बोलता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने आपके काम को नजरअंदाज कर दिया। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी आई और उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत लेकर आए, 6 महीने के अंदर उन्होंने बहुमत गवा दिया, और आज लोग हमारी बातें कर रहे हैं। ये लोग जब आए थे तो जांच की बात करते थे, आज वायुसेना ने जांच कर ली है हमारे रोड्स की, और उन्होंने बता दिया कि किस तरह का काम हमने प्रदेश के अंदर किया है। आप हमारी कितनी भी बुराई कर लीजिए, लेकिन जिस तरह के काम पिछले 5 सालों के अंदर समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया है, शायद ये सरकार उन कामों को कर पाए। हमने 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया। मेरा यह दावा है, ना तो केंद्र सरकार अपने इस कम कार्यकाल में बना सकती है और ना ही ये सरकार बना सकती है, क्योंकि अभी इन्होंने जो है ईस्टर्न यूपी का जो हाईवे बनाने की बात की थी उसका कोई भी कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमने टेंडर व्यवस्था शुरू कर दी थी, इन्होंने आकर उसको कैंसिल कर दिया। यानी कि अगर पिछली सरकारों के काम आप रुकवाने के काम करेंगे, सरकार जो है निरंतरता का काम है, जो हमने अच्छे काम किए उसको आगे बढ़ाइए। सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे अच्छे कामों को भी आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आप विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल वेंडेटा में काम कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इससे वो बाहर आए और जो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है इसका सम्मान करते हुए वो काम करें, वरना इन निकाय चुनावों में जनता इनको सबक सिखाने वाली है। अतुल चंद्रा जी, आप किस तरह का सियासी घमासान देख पा रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर? कितनी बड़ी चुनौती आप बीजेपी के सामने देख रहे हैं? क्योंकि वर्चस्व तो बीजेपी का है, पिछले अगर चुनावों की बात की जाए तो इस बार जो मुद्दे हैं लगभग जो भी चर्चा के दौरान निकला, सभी सियासी दलों के पास एक ही मुद्दे हैं, और ये भी है कि सभी सियासी दलों की एक ही मंशा है कि बीजेपी के रास्ते को कैसे रोका जाए। कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? एक चीज तो साफ है कि बीजेपी के खिलाफ जो नेगेटिव सेंटिमेंट है जी, वो पहली बार ज्यादा महसूस किया जा रहा है। वो इसलिए महसूस किया जा रहा है कि जो विकास की बात करते हैं, प्रदेश में अभी तक विकास नहीं हुआ है, ये बात खुद सरकार भी इनडायरेक्टली मानती है। अगर आप देखें तो कोई इंडस्ट्री अभी नहीं आई है प्रदेश में। एक अमेरिकन डेलीगेशन जरूर आया था जी। और उस डेलीगेशन से भी सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस बात को माना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अभी उसमें सुधरने की बहुत गुंजाइश है। अब वो कानून व्यवस्था कब सुधारी जाएगी? जो जमीनी ये चुनाव जो है बेसिकली टेस्ट करेगा कि जमीन से कौन पार्टी कितना सपोर्ट ले पा रही है। अगर कानून व्यवस्था का हाल ये है तो शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद बात आती है दूसरी चीज ये होती है कि आपकी पहली बार मायावती सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। उनको जो जातिगत वोट है उसका उनको जो फायदा होगा वो देखने वाला होगा। अभी शायद हिलाल साहब ने जिक्र किया था नोटबंदी का जी। लेकिन नोटबंदी को इसमें उस तरह से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, उसको आधार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव उस नोटबंदी के बाद हो चुका है और उसके परिणाम मिल चुके हैं। अब अगर कुछ होगा तो जीएसटी का क्या असर हुआ है?
लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी ने भी कुछ जो वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करी हैं गांव में, जैसे उज्ज्वल योजना है जी जी, गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देखने की बात होगी। लेकिन ये चुनाव जो है सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि जो नेगेटिव सेंटिमेंट उभर करके आ रहा है वो शायद 2014 में नहीं था, 2017 में नहीं था। हिंदुत्व वाली जो भावना है उसको कितना ये एक्सप्लॉइट करेंगे ये देखने की बात होगी। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, आप तो आपके जो सहयोगी हैं केंद्र में सरकार में महाराष्ट्र में, वो भी सवाल उठाने लगे हैं, वो तक इस बात को कह रहे हैं कि अब मोदी जी की वो लहर रही नहीं, कब तक मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? नहीं नहीं, देखिए हम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। एक बात तो तय हो गई है इस निकाय चुनाव में कि कांग्रेस सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि तीनों लोगों ने कोई अपनी बात नहीं कही है, तीनों लोगों ने केवल भारतीय जनता पार्टी की 6 महीने की जो सरकार है उसके ऊपर बात की है और भारतीय जनता पार्टी की बात की है। तीनों की अगर आप ना कहें कि भाई कौन बोल रहा है, कांग्रेस वाला बोल रहा है सपा वाला, तो तीनों का स्वर एक ही है। और इन्होंने घबराहट में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की लोकप्रियता से घबरा कर, ये क्योंकि इनको मालूम है कि परिणाम क्या आने वाला है, अगर ये गठबंधन इस चुनाव में हार जाएगा तो आगे ये गठबंधन नहीं कर पाते, इसीलिए इन्होंने गठबंधन ना करके क्योंकि एक स्टेटमेंट तैयार रखा हुआ टाइप कि हम मिलकर चुनाव नहीं लड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उत्तर प्रदेश के निकाय के लोग ये नहीं भूले कि पलायन कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश के लोग ये नहीं भूले हैं कि कौन कौन है जो सांप्रदायिक दंगा करा रहा था मुजफ्फरनगर से में, उत्तर प्रदेश के लोग ये नहीं भूले हैं कि जवाहरबाग कांड के संरक्षक कौन है, उत्तर प्रदेश के लोग रंगदारी को नहीं भूले हैं। उत्तर प्रदेश में जो 6 महीने की योगी सरकार है, अभी अभी यहां अतुल चंद्रा जी बोल रहे थे, पत्रकार हैं, पत्रकारों को बोलने के लिए सारे मुद्दे हैं। उज्ज्वला योजना कोई गांव की योजना नहीं है, उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए, शहरी के लिए भी है, गांव के लिए भी है। तो केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो दिया गया है गरीब के लिए दिया गया, वो शहरी और उत्तर प्रदेश के लोग आज पूरे पूरे देश भर में जो गरीबों को आवास देने की बात है वो पूरे देश में बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि वो आजम खां के जो काम थे नगर विकास के नाम पर, वो याद दिलाए ना कि आजम खां के क्या काम थे, आजम खां की उपलब्धि क्या थी, आजम खां की उपलब्धि केवल सांप्रदायिक विद्वेष था या नगर विकास था, इसको बताए ना किसने रोका? डॉक्टर चंद्रमोहन जी, लेकिन इन पर बताने को लोग आपसे ये जवाब नहीं पूछेंगे कि लखनऊ में भी आपके मेयर थे जो अब सूबे के उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, वहां भी आरोप यही लगता है कि राजधानी का हाल भी बहुत बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे सभी मेयरों ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और उसका परिणाम हमें मिला है। हम 2014 जीते हैं मेयर के बाद में, हम उसके बाद 17 जीते हैं, हम जीते हैं। और उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी का जो दहशतगर्द चेहरा है उसे कभी नहीं भूल सकते। नहीं, शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की निकाय चुनाव में पकड़ थोड़ी मजबूत होती है दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले, लेकिन ग्रामीण अंचलों में उत्तर प्रदेश वो मजबूती नहीं रह जाती। नहीं नहीं, ये क्या है, नगर पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है और नगर निगम के चुनाव है। आगरा में दलित की हत्या होती है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, अलीगढ़ में दलित की हत्या होती है। सर, हत्या तो आज भी हो रही है, दिखाई नहीं मिलता। अब वो किसी भी समाज के व्यक्ति की हत्या तो अब भी हो रही है। जो हत्यारा है वो आजम खां के साथ फोटो खिंचाता है, कानून आजम खां के काम पर, इसमें आजम खां के काम पर। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ये तस्वीर का मसला उठाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी तस्वीर का मसला उठ जाएगा। डॉक्टर हिला नकवी साहब फिर वही बात कर रहे हैं। उठाइए हत्यारों को, दलितों की हत्या की है, कौन नहीं जानता। डॉक्टर हिला नकवी साहब, क्या हुआ है? डॉक्टर हिला नकवी साहब, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर राजनीतिक दल आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि विकास के मुद्दे से कहीं ज्यादा जातिवाद हावी होता है, ये एक सत्य है यूपी इलेक्शंस के लिए, चाहे किसी भी प्रकार के चुनाव हो। अक्षय, देखिए एक हद तक की निश्चित रूप से जातिवाद जो है वो प्रभावित करता है इलेक्शंस को, लेकिन उसके पश्चात जो है वो जातिवाद प्रभावित करना बंद कर देता है। जैसे कि अगर बेरोजगार हो रहे हैं तो बेरोजगार होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है।
अगर किसान जो है वो पीड़ित है तो वो किसान है, उसकी कोई जाति नहीं है। अगर महिलाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है तो वो महिलाएं हैं, वो कोई जाति नहीं है। अगर लोग अपना लोग जो है वो खींच खींच करके मारे जा रहे हैं, उसके अंदर ज्यादातर जो है वो दलित है और किन आरोपों में मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे देश के कई एक राज्यों में पूरा एक जन आंदोलन जो है वो छिड़ा है, वो भी लोग नहीं भूले। लोग ये भी नहीं भूले कि किस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर के एक जाति विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो सारे के सारे दलित जाति से निकल करके आते, वो भी लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों की याददाश्त इतनी कम नहीं है। यहां पे दो बातें हम जल्दी जल्दी कहना चाहेंगे। चंदा साहब की बात बिल्कुल सही है कि नोटबंदी के बाद जो है वो 2017 का इलेक्शन हुआ था, लेकिन नोटबंदी और 2017 के इलेक्शन के बीच में फासला बहुत कम था, मात्र 4 या 5 महीने का था। उसके जो दुष्परिणाम है वो तब तक नहीं निकल के आए थे और ना ही सरकार जो है वो लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रही थी। सरकार जो है आज ये बताने में असमर्थ है कि उन्होंने नोटबंदी क्यों की थी और सरकार को उससे क्या लाभ हुआ और उसकी वजह से जनता को क्या लाभ हुआ। निश्चित रूप से किसान जो है वो पूछेगा कि 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक देने के बाद बाकी जो कर्ज माफी के वादे थे वो कहां चले गए, अब वो कर्जे क्यों नहीं माफ किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से किसान जो है वो ये पूछेगा कि बुंदेलखंड की जो बुरी हालत है उसके लिए आपकी क्या योजना है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी कि भैया भगवान के सहारे जनता को भी छोड़ दिया और आज पूरी सरकार जो है वो भी भगवान के सहारे ही चल रही है, क्योंकि इनमें पुरुषार्थ नहीं है चला पाने का। किसानों और नौजवानों का मुद्दा हावी रहेगा, इस बात को लेकर विपक्षी दलों की पूरी रणनीति होगी कि किस तरह से घेरा जाए। सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ी भूमिका होती है टिकट बंटवारे की, उम्मीदवार का चयन, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति आपकी पार्टी की रहने वाली? देखिए, हमारे यहाँ तो बिल्कुल निश्चित है, तो तय हो चुका है, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उनके आधार पे ही उनको जो है टिकट मिलेगा। उसके हम सर्वे टोटल लगभग हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। इस तरह से ही केवल पार्टी के, हमारे यहाँ तो आप बहुत सारी चीज जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ना तो किसी बाहर को MLA बनाया जाता है, ना बाहर से ला करके सांसद बनाया जाता है, वो पार्टी के लोग ही चुने जाते हैं। हमेशा बहन जी ने ये रखा है और आज भी ये चुनाव पहली बार लड़ाने जा रहे हैं, तो आज भी जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके कि आपस में सारे लोगों को तय कर करके जो लोकल बॉडी है और उनके साथ में कौन कितना मेहनत किया है, किस तरह से पार्टी में जुड़ा है, किस तरह से तैयारी किया है, और उस तैयारी के आधार पर उनको जो है चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप देखिए हम लोगों का अभी आप पूरे प्रदेश की चुंगी का मामला था, घर घर पे लोग, हर गली में लोग परेशान थे, आज उसका भी फायदा, आज जनता ने उस चीज को मन बना लिया। आप उज्ज्वला के बारे में कहते हैं, उज्ज्वला के बारे में जो स्थितियां बनी है कि आज सारे उज्ज्वला वाले, किसी को एक आप पता करवा लीजिए कि उज्ज्वला वाले में हुआ क्या कि उसको जो है 1600 कुछ रुपए एक जनरल आदमी का जमा होता है, उज्ज्वला वाले में कह दिया गया कि उनको 0 की रसीद दे दो, जो कि वो रिफंडेबल है दूसरे का। उनको सब्सिडी मिल रहा है, सवर्ण को या अदर लोगों को, जनरल लोगों को सब्सिडी मिल रहा है, तो उनको करीब 450 में सिलेंडर अगर पड़ रहा है तो वही जो है उनको जो उज्ज्वला के स्कीम में आए हैं उनको 700 में खरीदना पड़ रहा है, उनको कोई सब्सिडी एक पैसे के आज तक नहीं मिला है, क्योंकि वो एजेंसियों के ऊपर जो है वो डाल दिया गया है और वो पैसा लगाए हैं, तो वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज जितने लोगों को मिल चुका है वो सब के सब उजागर हो गया है कि हम लोग कैसे ठगे गए, किस तरह से तालियां फर्जी बजवाया गया। तो आज बहुत सारे मुद्दे बन चुके हैं जो बहुत अच्छा है, अब लोग एकदम से माइंड मेकअप कर चुके हैं, अब वो झूठ फरेब हवा और उसमें नहीं आने वाले हैं। अब्दुल हफीज साहब आएगा अभी, देखिए एक जी, आपकी पार्टी तो युवाओं की पार्टी अब है, आपकी पार्टी के मुखिया भी युवा हैं, युवाओं को खूब तरजीह देने की भी बात की जा रही है, यूथ ब्रिगेड की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारे साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके पास एज भी है और विजन भी है, और उस विजन का नमूना आपने पिछले 5 सालों में देखा। जो हमारा युवा नेतृत्व है, आपने देखा होगा हमारी अभी मेंबरशिप ड्राइव चली थी, उसमें लाखों लोग जो है मेंबर्स बने हैं, उस मेंबरशिप के आधार पर जिन लोगों ने ज्यादा मेंबरशिप कराई है उनको भी कंसिडर किया जाएगा। जिला स्तर पर हमारी रैलीज हुई थी, जिला स्तर पर हमारी मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ से भी नाम आए हैं, और अभी जो है हमारा जो स्टेट का जो नेतृत्व है
डेली आजकल पार्टी कार्यालय पर मीटिंग्स चल रही हैं और प्रत्याशियों से भी मिला जा रहा है, जिलों से भी नाम आगे गए हैं और काम के आधार पर, उनकी पकड़ के आधार पर, जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के काम किए हैं, इन सभी को आधार बनाकर हम समझते हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स इस बार देने की कोशिश की जाएगी। और कल ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेयर सीट्स हैं इस बार समाजवादी पार्टी निकालने की कोशिश करेगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और जैसा आपने कहा कि हमारे लिए तो चुनौती 2019 है और 2022 है, तो हम समझते हैं कि उसकी तैयारी इसी इलेक्शन में हो। लेकिन जो सूचनाएं हफीज साहब सामने आ रही हैं उसके मुताबिक टिकट को लेकर खूब जद्दोजहद मच रही है। सब आप कह रहे हैं कि जो योग्य होंगे ऐसे कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, तो सवाल तो वही है ना कि वही खींचतान फिर तो देखने को नहीं मिलेगी जो विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिली थी। देखिए जद्दोजहद किसी भी पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। अगर जद्दोजहद है जहाँ पर, तो वहाँ पर इसका मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेटिक कंटेंट है और इसलिए लोग इस तरह की डिमांड्स उठाते हैं। तो इसको नेगेटिव टर्म्स में ना लेकर मैं समझता हूँ कि इसको पॉजिटिव टर्म्स में लेना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं और आपकी पार्टी से टिकट पाना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह है कि जो भी उस क्षेत्र से अच्छा प्रत्याशी होगा उसी को उतारने का प्रयास करेंगे और सबको मनाने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनको अगली बार आपको भी मौका मिलेगा। और भी बहुत सारे चुनाव आते हैं उनमें और भी प्रत्याशियों को मौका मिलेगा, लेकिन सभी पार्टी के लिए को मजबूत करने के लिए काम करें, ऐसा जो है राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश ठीक है। अतुल चंद्रा जी, ये चुनाव में जो देरी हुई है इसको लेकर सवाल भी कई उठाया गया है कि 5-6 महीने का वक्त ज्यादा निकल गया, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या इन चुनाव में? अक्षय जी, अगर हम लोग देखें कि दिल्ली के चुनाव जो हुए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो अभी अप्रैल में ही हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में हुए हैं जी, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ये जो देरी हुई है यहाँ पर उसके कई कारण थे। एक कारण तो खाली ईवीएम्स को लेकर के था जी, पुरानी है नई है, फिर तैयारी नहीं थी। इसका असल अगर कुछ पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा, क्योंकि इतने पीरियड में जो नेगेटिव सेंटिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगा है, ज्यादा लोग महसूस करने लगे हैं। अब ये बात सही है कि 2014 और 2017 के कंपैरिजन में लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, लोगों को अब उतना डर नहीं है, भले एक्शन लिया जा रहा हो लोगों के खिलाफ लेकिन लोग बोल रहे हैं। ये चीज 2014 में नहीं थी, 2017 में नहीं थी जी। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि इससे हम पब्लिक सेंटिमेंट या पब्लिक मूड को गेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव 2014 और 2017 की तरह इसमें कहीं ना कहीं धर्म का पुट होगा और जाति का पुट होगा, और उसमें कौन बाजी मार ले जाता है, किसकी गणित ज्यादा सही बैठती है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, वही जो हम जाति धर्म की बात कर रहे थे उसी के पुट की बात कर रहे हैं, विकास की बात फिर कहां रह जाती है, वो तो फिर पीछे छूट जाएगा। नहीं नहीं, मैंने तो कहा हम तो विकास का एजेंडा घोषित करने जा रहे हैं, हम इस निकाय चुनाव को लेकर अपना विकास का जो संकल्प है उसे डिक्लेयर कर रहे हैं जनता के बीच में और उसके आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर नकवी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, आपने संकल्प पत्र का नाम ले लिया। ऐसा है कि हिलाल नकवी जी को मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बता दिया है कि बसपा का, सपा का, कांग्रेस का जो स्टेटमेंट तैयार है वो तो एकदम स्पष्ट है कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े इसलिए बीजेपी जीती है। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है या एक साथ अगर गठबंधन मान लीजिए हो जाता नहीं वो चुनौती बीजेपी के लिए देखो, बीजेपी अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम लोकतांत्रिक पार्टी है, हम सपा बसपा नहीं है जो प्रदेश में सरकार में आए तो चुनाव छोड़ के भाग गए। हम प्रदेश में सरकार में और चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो लगातार चरेवती वाले लोग हैं, हम एकमात्र वैचारिक राजनीतिक दल वाले लोग हैं। हमको तो राजनीति करनी है समाज परिवर्तन के लिए, हम परिवर्तन के काम की अलग जगा रहे हैं
और परिवर्तन की इबादत लिख रहे हैं। टिकट वितरण का मॉडल क्या होगा डॉक्टर चंद्र? तो हमारे टिकट वितरण का मॉडल एकदम स्पष्ट है, हमने बनाया है नगर पंचायत के स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर, नगर नियम के स्तर पर। हमने एक फॉर्मेट तैयार किया, उस फॉर्मेट के अंतर्गत लेते हुए काम हमारा चल रहा है। लगातार हमारी जो कोर ग्रुप्स है नगर के स्तर पर, जिला के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, वो लगातार बैठ रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और हम उसके आधार पर प्रत्याशी देने जा रहे हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि वो कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी, तो बड़ा आनंद की बात है कि बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। देखिए सब जानते हैं क्योंकि नगर भारतीय जनता पार्टी और नगर, अच्छा जी आप भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो नगर शहर की पार्टी रही है सर, हम तो शहर से गांव से शहर में हमारे कार्यकर्ता जी तो हम तो शहर की पार्टी है ही है और शहर के साथ हमारा स्वाभाविक है, हमारा विजन है। हमने शहर को केवल वसूले के अड्डे नहीं बनाए हैं कि जो लोग प्लॉटों पर कब्जा करने वाले लोग हैं तो वो तो ऐसे ऐसे लोगों को जेल भी तो भेजा जाना चाहिए था ना डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सिर्फ कब्जे छुड़ा लेने भर से बात तो बनने वाली नहीं है। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हमने की है, हमने भूमाफियाओं को जेल भेजा है, जिले वाइज जाके पता कर लीजिए आप, हमने भूमाफियाओं का मथुरा का जवाहर कांड का जिक्र किया था आपने, डॉक्टर चंद्रमोहन जी देखिए मथुरा जवाहर कांड का आपने जिक्र किया था, उसमें कितने लोगों को जेल भेजा आपने? एंटी रोमियो को रोमियो को पता है कि एंटी रोमियो कहाँ है? ये रोमियो को पता है एंटी रोमियो कहाँ है? अरे आजम खान ने जो पाप किया है, आजम खान की जो पाप है उसके आधार पर मतदान होगा, मुजफ्फरनगर के गन्ने पर मतदान होगा, कब्रिस्तान पाप हो गया बुलाकर। अरे अरे आप ये कहिए, अरे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आधार कोई बचा नहीं है, अरे कौन नहीं जानता है जनक? अरे हम जो है हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, अरे आरएसएस के बारे में क्या बोलोगे? आरएसएस के बारे में आप बोलिए, जनता आप विलास करते रहिए, जनक है आपको, आप जमीन अंदाज कर देगी उत्तर प्रदेश की जनता 2014 2017। ठीक है ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अब्दुल हफीज गांधी जी बिलाप कर रहे हैं, हमारी बात सुनी जा रही है, जनोन्मुखी राजनीति करते हैं हम, जनोन्मुखी राजनीति। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, राजनीति नहीं है गुंडागर्दी की, आप अपना बनाइए, आप माफियाओं को भाइयों को रखना चाहिए, रखा हमने रखा हमने बनाया, और रोमियो को दुरुस्त करने का काम किया है, हमने रोमियो को समझा दिया है, एक छात्र लखनऊ के अंदर आत्महत्या कर रखा है आपका, जो लोग धोखा देते थे गोलीबारी छात्राओं को करते हैं उनको 15 जून तक गंडे नाम कर दिए जाएंगे, सिर्फ जो लोग नाम बातें करना छात्राओं को सिर्फ लाछे देते लच्छे नाम बातें करते। देखिए देखिए लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर रहे हैं ना डॉक्टर चंद्रमोहन जी और अब्दुल हफीज गांधी जी, इनके पास आप दोनों से निवेदन है, अपनी बारी आने पर अगर अपनी बात रखेंगे तो बेहतर तरीके से लोगों को पता भी चलेगा। साथ ही एक चीज और, ये बीच में बोले, एक चीज और कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो उस पर भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और अब्दुल हफीज गांधी साहब आपकी सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या रही है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अरे संयम से आप बीच में बोलोगे तो क्या होगा? आप क्या संयम से कहोगे? प्लीज व्यक्तिगत तौर पर नहीं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, व्यक्तिगत नहीं सर, पार्टी की क्या नीतियां रहेंगी, किस तरह से लोगों को प्रभावित करेंगे, इस पर अगर बहस करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास बिखरे हुए वोट बैंक को समेटने की एक बड़ी चुनौती है? हालांकि इस बार कुछ सुखद ये जरूर कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि टिकट दावेदारों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। अक्षय देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करने की जरूरत है, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को यहां पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उन सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के और इस इलेक्शन को लड़ने में जनता के पास पहुंचने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं, हमारी पूरी तरह से पार्टी तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, अब हमको जो है वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको घोषित करना है और साथ ही साथ उनको जो है वो इलेक्शन लड़ाने की प्रक्रिया में उतरना है।
रही बात एक चंदा साहब ने जरूर कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है, चंदा साहब शायद सिर्फ बॉम्बे की बात कर रहे हैं, वहां पर भी शिवसेना का हुआ है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, जितने अच्छे रिजल्ट्स महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिले हैं वो अपने आप में वहां पर चिंता पैदा किए हैं और मुख्यमंत्री जी की गद्दी को भी उसने हिला दिया है। अब गई या कब गई इसका इंतजार कीजिए आप। चलिए ये कांग्रेस के मनोबल को बढ़ाने वाला उसका प्रयास जरूर हो सकता है हिलाने के साथ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आरोप कांग्रेस पार्टी में यही लगते रहे हैं कि जो क्षेत्रीय जो पुराने नेता हैं उनकी उपेक्षा रही है की जाती रही है वरिष्ठ नेताओं की चुनावों के दौरान खासतौर पर, उसको लेकर भी कुछ रणनीति रहेगी क्या कि इस तरह की उपेक्षा ना हो, वरना नतीजे फिर कुछ उसी तरह के आने के संकेत भी हो सकते हैं। अक्षय जी देखिए, पहली बात यह है कि उपेक्षा किसी की भी नहीं की गई है, यह बात भी अपने आप में सच है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो चुनाव के रिजल्ट्स मिले हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं मिले हैं। हाँ, हम 2009 में जरूर बहुत अच्छे सीट्स लेकर के आए थे संसद में, लेकिन यहां पर अगर आप विधानसभा देखिए या अगर आप लोकल बॉडीज में देखिए तो वहां पर बहुत उत्साहवर्धक रिजल्ट्स हमको नहीं मिले हैं। इसकी वजह से हमको पार्टी के लोगों को मोटिवेट करना है, वो जो है वो नाराज नहीं है कहीं ना कहीं। देखिए, अगर हम हार रहे हैं, अगर हम जनता को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, अगर हमारे यहाँ लोगों को किसी बात को लेकर शिकायत हो तो कमी है हमारी पार्टी में, हमको उस कमी को दूर करके ही सिलेक्शन में लड़ रहे हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से अब के हमारे यहाँ जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, इससे पहले नहीं किया था। हमारे अध्यक्ष जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और उसके हमको परिणाम अच्छे मिलेंगे। निश्चित रूप से हमको उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये बात साफ दिखाई देती है कि अगर आप देखें तो यूपी में ईमानदारी से आज हर व्यक्ति कहता है कि 89 के बाद से अगर विकास की बात की जाए तो विकास कहीं स्थिर सा हो गया है। वो समय जबकि पूरा भारत जो है वो तेजी से आगे बढ़ गया है, उस वक्त हम जो है वो यहाँ के पर एक उन्माद की राजनीति में फंसे हुए थे, जिसकी एक मरतबा फिर से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे फिर से एक मरतबा उन्माद की राजनीति हो और उस उन्माद की राजनीति से एक पार्टी विशेष को लाभ मिलता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो प्रदेश की जनता इसके लिए भी तैयार है, बहुत संयम से काम कर रही है, बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि भड़के लोगों के अंदर जो है वो खून का दौरान तेज हो, कहीं कुछ झगड़े हो, कहीं कोई इस तरह के बयान आए, लेकिन प्रदेश की जनता जो है निश्चित रूप से खामोशी से बैठी है। उमेश जी, यहाँ पर ये सवाल तो सहयोगियों पर भी छोड़ दिया ना हिला नकवी साहब ने, समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने कि 89 के बाद से हाल बेहाल है, विकास के काम हो नहीं रहे हैं, और हाफिज गांधी साहब कह रहे हैं कि यूपी में तो काम अक्षय जी अगर आपने पूरा बयान बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सर पूरा बोला हमने, पूरा आपने 89 के बाद का जिक्र किया है, मैंने उसी का जिक्र किया, कम से कम यह अच्छी बात है कि आप लोग स्वीकार रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्माद की राजनीति, इसके साथ अगर आप जोड़ दें, इसके साथ ये जोड़ दें कि 90 के दशक से यहाँ पे उन्माद की राजनीति जो है उसके होने की वजह से प्रदेश का विकास जो है वो थम गया है। उसका श्रेय आप सभी राजनीतिक दलों को जाता है, किसी का कम योगदान है, किसी का ज्यादा योगदान है, इस बात को तो कम से कम आप ही लोगों को स्वीकार करना होगा। उमेश सिंह जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इस बार के निकाय चुनाव में अगर आप लोगों को जिस तरह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को रोकना है तो शहरी क्षेत्र में पकड़ बनानी होगी, शहरी क्षेत्र को लेकर क्या कुछ तैयारी आप लोगों की पार्टी की? हाँ देखिए, ये तैयारी मैंने आपसे जैसे बताया कि हम लोगों का आज ये शहरी क्षेत्र है, जैसे आपका अभी लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ का विकास पूरा देश जानता है कि किस तरह से और कब हुआ है, और आज पूरी तरह से आज लखनऊ देखने लायक हो गया। लोग देखने, ये नवाबों का शहर केवल कहा जाता था, शाम सूरज डूबते ही घर से निकल नहीं पाते थे कोई, आज जो है पूरे प्रदेश में चुंगी खत्म करके पूरे प्रदेश को किस तरह से उनको मिला, आज जो है आज आप देखिए कम से कम लाखों लोगों को सर्विस रोजगार दिया गया, आते ही बहुजन समाज पार्टी ने तुरंत जो है बेरोजगारों को एक तरफा वो किसी भी जात का हो और उनको सबको जो है रोजगार मिला। आज जिस तरह से लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश का रहा है उस लाइन ऑर्डर को भी आज बच्चा बच्चा याद कर रहा है। तो अभी आप तो देखिए, हम लोग तो बिल्कुल जनता के ऊपर भरोसा, जनता में एक बदलाव का एक था और वो बदले के बाद आज वो पछतावा हो रहा है जनता में कि वाकई में इससे बहुत अच्छा बहुजन समाज पार्टी का कि समय पे लाइन ऑर्डर था और हर चीज शांति था, लोग घर से निकलते थे, काम करते थे, अपना बिजनेस करते थे, अपने बहन बेटी सुरक्षित थी, इस तरह की हालात नहीं था।
तो आज अपने आप आज हम लोग जनता लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए, हम लोगों को हम लोग बहुत पूरी तरह से संतुष्ट हैं और मैदान में जा रहे हैं, रिजल्ट जो है उनके भरोसे हैं। चले सभी सियासी दलों के यही दावे हैं, सभी सियासी दल यही दावे कर रहे हैं। अतुल चंद्रा जी, एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगा संक्षेप में, आप आने वाले वक्त में किस तरह की और रास्ता कशी देखने की उम्मीद कर रहे हैं कि आगे किस तरह का और घमासान देखने को मिलेगा, और रणनीति की बात की जाए तो रणनीति किसकी भारी पड़ती नजर आ सकती है? रणनीति में देखिए, कांग्रेस अभी फिलहाल कमजोर है क्योंकि ठीक है टिकट लेने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस में नेतृत्व की कमी महसूस की जाती है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी जो हैं वो उतना मुखर होकर के लीडरशिप अपनी नहीं निभा रही हैं जैसी आज से 5-7 साल पहले वो करती थी जी। अगर आप गौर करें तो उनका उनका अप्रोच जो है वो बड़ा डिफेंसिव हो गया है जी जी। समाजवादी पार्टी जरूर अपनी मेंबरशिप ड्राइव वगैरह के साथ जोर शोर से लगी हुई है कि हम इस चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन सब में एक कदम आगे है अपने घर को व्यवस्थित रखने में। तो इन तीनों दलों के लिए थोड़ा सा अभी और मेहनत की जरूरत है, बाकी जो विवाद उठेगा वो धर्म और जात की राजनीति को लेकर और क्राइम को लेकर के होगा। चलिए उम्मीद इस बात को लेकर करते हैं कि विकास की बात तो सभी राजनीतिक दल करते हैं कि हम विकास के मुद्दों को आगे लेकर बढ़ेंगे, जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे, लेकिन अंत में चुनाव होते होते मसला जातिवाद धर्म के फेर में फंस कर रह जाता है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाला चुनाव कम से कम विकास के मुद्दे पर ही हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।